वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बी पी एस वन एट सिक्स मैनेजिंग स्टेट्स के सैप्ल पेपर के क्वेश्चन के बारे में सैपल पेपर ये पार्ट टू है सैंपल पेपर एक और भी अपलोड किया जा चुका है बी सी एस वन एट सिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बी सी सी एस वन एट सिक्स प्ले लिस्ट का और भी आपको अदर वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन या फिर अदर रिलेटेड ब्लॉक वाइज क्वेश्चन के बी पी सी एस वन एट सिक्स जो आपका सब्जेक्ट है ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसके इनहैसमेंट कोर्स के अंतर्गत आता है अगर ये कोई भी सब्जेक्ट स्किल इन्हेंसमेंट के अंतर्गत आ रहा है तो बहुत सारे सब प्रोग्राम वाले उनको पढ़ते हैं तो वन एट सिक्स बैचलर ऑफ आर्ट्स और बी ऑनर्स साइकोलॉजी वालों को पढ़ना है ये CBCS के अंतर्गत आता है सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो बीपीसीएस वन एट सिक्स सब्जेक्ट है और ये जो एग्जाम होगा आपका पचास मार्क्स का होगा अभी तक तो अभी के हिसाब से पचास मार्क्स के होने चाहिए अगर भविष्य में इसको बढ़ाया जाता है क्रेडिट तो उसके ऊपर अलग ही डिबेट होगा लेकिन अभी जो होगा बी सी एस वन एट सिक्स को आप एग्जाम देने वाले हैं वो पचास नंबर का होगा क्योंकि इसका जो क्रेडिट है वो चार है चार क्रेडिट को आप पचास नंबर मान के चलेंगे और जो आपका छह क्रेडिट होगा उसको आप सौ मार्क्स यानी हंड्रेड मार्क्स मानकर चलेंगे तो बी पी सी एस वन एट सिक्स में कुल दो ब्लॉक है पहला है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्लॉक के अंतर्गत कुछ यूनिट भी होते हैं ब्लॉक वन में कुल चार यूनिट है और ब्लॉक टू में भी चार यूनिट है

question number two complete the figure of sociological changes during fight or fight responses complete the figure of sociological changes during fight or fight response question number three A, describe the factors contributing to stress responses describe the factors contributing to stress responses question number four A, discuss about the stress symptoms discuss about the stress symptoms question number five A, describe the styles of coping describe the styles of coping question number 6 A, explain cognitive restructuring explain cognitive restructuring and last head question number 7 discuss about some of the interpersonal skills that will help us deal with stress discuss about some of the interpersonal skills that will help us deal with stress तो यही सारे कुल आपके साथ प्रश्न है जिसके जवाब आपको देने हैं और ये सारे प्रश्नों का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको हु ये एग्जाम में आ जाएगा आप इसको एज एन एग्जाम्पल ये मतलब आपके एक मॉडल पेपर की तरह से मान सकते हैं इससे मिलता जुलता आपको प्रश्न आ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दूसरा है ये सारे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं किसी स्टूडेंट नहीं ग्रुप में भेजा था उसी को अपलोड किया जा रहा है ये मेरे द्वारा या फिर आप इसको चेक चेक कर लीजिएगा कि सारा क्वेश्चन तो वैसे सही है लेकिन आप अपने हिसाब से इसको देखें आप इसको ये मत समझें कि आप एग्जाम में इसको बना के जाएगा और पास कर जाइएगा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा सारा टॉपिक जैसे इसमें दो ब्लॉक है दोनों ब्लॉक को कंप्लीट करना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन ईजी है तो आप इसका जवाब इजिली दे सकते हैं उम्मीद आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं भविष्य में अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो भविष्य में बी पी सी एस वन एट सिक्स या फिर अदर जो भी आपके सब्जेक्ट है सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के उसके वीडियोस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उसको अपलोड किया जाएगा अभी तक प्रीवियस ईयर एक बार भी कंडक्ट नहीं है एग्जाम तो थैंक्स फॉर वॉचिंग